देंगे सिर्फ और सिर्फ, पता है वो कितना? 13 रुपए पर डे। एक पान का खर्च है, एक पान अगर आप लोग गुटखा नहीं खाते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, सुपारी नहीं खाते होंगे, ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ, कोई खाता तो नहीं तंबाकू पान गुटखा तो नहीं खाता कि बस मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ नहीं ना, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। जब मैं कभी आज सुपारी कभी खा लेता हूँ ना, धोखा से कभी खाया तो मेरे सारा भूल जाता है। मैंने बचपन से ना पान खाया हूँ, ना सुपारी खाया हूँ, और ना ही तंबाकू खाया हूँ, तो इसलिए तंबाकू सुपारी और गुटखे से दूर रहना। तुरंत तो अच्छा लगता होगा, लेकिन 6-7-8-10 साल के बाद में जब बीमारी उत्पन्न होती है तो आगे बढ़ाइए। उसके लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप लोगों की फीस रखे हैं सिर्फ 13 रुपए पर डे। साल भर की आप फीस पढ़ेंगे और बढ़िया पेपर निकालेंगे, एक साल पढ़ के देखे तब विश्वास करना की हाँ हमने सही बोले, बड़ा पेपर है। एक गाँव का बच्चा यदि पुलिस बन गया तो क्या गलत है? 12वीं निकला, जस्ट 12वीं निकला हुआ अगर पुलिस बन गया, छोटी सी उम्र है 18 साल की उम्र और वो पुलिस बन गया, क्या गलत है इसमें? आप ज्वाइन करिए और वहीं से आगे टारगेट बनाइए पीएससी का, ठीक है? अच्छा, इस क्लास से जो प्लस पॉइंट क्लासेस यानी वॉलेंसी जीएस सेंटर है, इसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर मैं डाल दिया हूँ, आप उसे जरूर देख लेना। तो 12वीं के जस्ट बाद में बच्चा क्लास ज्वाइन करता है और एक साल पढ़ाई करके अभी अपने यहाँ से काफी बच्चे सेलेक्ट हुए। एक बच्चा सागर पवार मुंबई में कोच भी है, आरबीएफ निकला उसका, 17 साल में क्लास ज्वाइन किया, सबसे छोटा उम्र का विद्यार्थी क्लास ज्वाइन किया उसने, सागर पवार निश्वा का, उसने 17 साल की उम्र में क्लास ज्वाइन किया, एक साल पढ़ा, 18 साल हुआ, पेपर दिया उसने आरबीएफ का, ग्रुप डी का, रेलवे का, और पेपर निकाल दिया अभी मुंबई में कोच के, एक साल से। तो हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? आप लोग को आगे आना पड़ेगा। आप लोग यदि आगे नहीं आएंगे तो आपके पास तो कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं कि भैया एक काम करते तो के लिए पुलिस बन के हम वैकेंसी लेके आए हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन एक बार थोड़ा क्लियर करो बच्चे का मेरे को कि हम करेंगे बहुत बढ़िया, और तुम तो करोगे फिर। अब अभी डेढ़ दिन का टेस्ट रहेगा आप लोगों का, 3 तारीख को टेस्ट है, सुबह 10 बजे वो टेस्ट रहेगा, उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट का समय रहेगा, उस टेस्ट में आप पास होइए, बढ़िया अपना नाम जो है सुपर 100 में आइए। मैंने टारगेट बनाया हूँ, हमारी टीम ने टारगेट बनाया है कि पूरे जो पंचायत है, इस पंचायत मतलब पूरे 100 क्षेत्र की पंचायतों का 100 बच्चों को 13 रुपए पर डे की फीस से पढ़ाया जाए, सिर्फ 100 बच्चों को। अब आप अच्छे नंबर लाइए इस पंचायत में, पूरे 100 के तो इस क्षेत्र की तरह आ जाएंगे, 100 के 100 विद्यार्थियों में, तो आपको पूरे को विद्यार्थियों को 13 रुपये पढ़ाया जाएगा। मैंने पूरे 100 ब्लॉक के लिए मैंने सोचा हूँ कि 13 रुपये पर डे की फीस पढ़ाए जाएंगे, यानी बहुत नॉर्मल फीस है, 5-6 सिर्फ, उतने में आप पढ़ के पुलिस बन सकते हैं। और हर टीचर बताया मैंने आपको कि हर टीचर का क्या है, तो 11th में बायोलॉजी लिखवाना, यदि हम आपको लगता है कि हमारे बेटे को इंजीनियर बना रहा है तो फिर मैथ्स दिलवाना, यदि आपको लगता है ऐसा कि हमारा बच्चा सिविल सेवा में जाना चाहिए, हमारा बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी में जाना चाहिए, तो जो भी स्ट्रीम से आपने पढ़ा है क्या पड़ेगा 11th 12th में, लेकिन आपको डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेना पड़ेगा, लेकिन आपको पुलिस बनना है, आपको SI बनना है, रेलवे में जाना है, आपको स्टेशन मास्टर बनना है, आपको डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, आबकारी पुलिस बनना है, दारू पकड़ने वाले गांव गांव पहुंच के दारू पकड़ने वाले बनने वाले वो बनना है, तो क्या करना पड़ेगा 12th के बाद? बोलने का उद्देश्य ये था कि आपको पता है कि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करना होगा, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करना पड़ेगा। यदि आपने सामर्थ्य अनुसार काम नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि मैंने बहुत कर लिया हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि कामयाब होने के लिए आपने कितना किया है ये डिपेंड नहीं करता, आप कितना और कर सकते थे ये डिपेंड करता है, इसलिए सोचिए कि और हम आगे कुछ कर सकते हैं, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हैं। जब एक गृहिणी ये सोच सकती है कि हमको पुल का निर्माण करना है, इतना भारी भरकम पुल बनाना है, एक गृहिणी ऐसा काम कर सकती है, तो हम लोग गृहिणी सफल तो नहीं है, हम तो ये इंसान जीवन में जन्म लिया हुआ, और हम लोग सोच सकते हैं कि हम एक गृहिणी से बहुत अच्छे हैं, तो हमको कुछ करना पड़ेगा, यानी बड़े एग्जाम के बारे में सोचना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि हाँ गिलहरी से आप अच्छे हैं, तो आप डिसाइड करिए कि आपको कल से काम करना शुरू करना है, इसके बजाय आज से शुरू करना है, आप डिसाइड करिए कल कि फिर आज, है ना, तब आप जाके आप आगे कुछ कर पाओगे, यानी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको काम करना है और अच्छा काम करना है, गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करना है और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है।
कई बार कई कहते हैं कि समय समय को और कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नर्सों कर लेंगे, है ना, अभी अगले साल कर लेंगे, 12th के बाद करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, कोचिंग शुरू करना है तो ग्रेजुएशन के बाद शुरू करेंगे।